यूपी के मेरठ जिले के थाना कंकड़खेड़ा से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला प्रकाश में आया। क्षेत्र के डबका गांव निवासी अनुज की शादी साल भर पहले हुई थी। वहीं शादी के बाद पति लगातार अपनी पत्नी पर तहस देने का दबाव बना रहा था और इसके लिए गाहे बगाहे प्रताड़ित भी करता रहता है। वहीं आरोप है कि लगातार उसके साथ मारपीट और अभद्रता के चलते पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए उसके पेट पर लात मार दी, जिसके बाद पत्नी की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद आनन फानन में पीड़िता को भर्ती कराया गया और उसे मरी हुई बच्ची पैदा हुई। वो मुझे दे चाहिए, बच्चा बच्चा कुछ नहीं चाहिए। दो से तीसरे दिन पिटाई करता रहता, लात मारा था दो से तीसरे दिन। लड़की बेहोश हो गई, घर आ जावे हम दिखावे थे, फिर गरीब आदमी थे, जमीन बेच कर शादी करी। अब स्थिति कैसी है, क्या हुआ बच्चे को, क्या हुआ था? बच्चे को लात मारी गई थी। किसने मारी थी? अनुज ने जी। इसके बाद मरी हुई बच्ची को पीड़िता के माता पिता थाना कंकड़खेड़ा लेकर पहुंचे और आरोपी अनुज और परिजनों पर तहरीर देकर दहेज देने और प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई किए जाने की बात कही है। मेरठ से जनमत न्यूज के लिए नरेंद्र गौतम की रिपोर्ट।